यूपी के सिद्धार्थनगर चिलिया थाना क्षेत्र के जीतपुर में आज दूसरे दिन भी गांव के सिवान में लगी भीषण आग, जिसमें 5 से 10 बीघे गेहूं जलकर राख हो गया। ग्रामीणों के सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। अभी एक दिन पहले इसी सिवान में लगी आग में सैकड़ों बीघे गेहूं जले थे। आज फिर कुछ शरारती बच्चों द्वारा ये आग लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अब उन गरीबों का क्या होगा जो इसी अनाज पर आश्रित थे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आग लगने पर दमकल की गाड़ियों की समुचित व्यवस्था जिले में नहीं है। इस दुर्व्यवस्था को जिले के लोग काफी समय से झेलते नजर आ रहे हैं। इस बार जिम्मेदार समुचित व्यवस्था की बात तो करते हैं, पर आग लगने पर इनके दावों की पोल खुल जाती है और किसान अपनी बर्बादी का तमाशा भी खुद ही देखता है। जिले के जनप्रतिनिधि भी इस समस्या के स्थायी निराकरण की बात करते हैं और तहसील मुख्यालय पर फायर स्टेशन स्थापना की बात भी होती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जिले में जिला मुख्यालय और डुमरियागंज में फायर स्टेशन है, इन पर ही जरूरत के अनुसार कर्मचारी नहीं है। जिले में हर वर्ष हजारों एकड़ फसल आग से जलकर बर्बाद होती है। वहीं जब हमने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीण बताते हैं कि फायर ब्रिगेड को कई बार फोन किया, लेकिन गाड़ी नहीं आई। ग्रामीणों ने पंप सेट के द्वारा अपनी प्रयासों से आग को बुझाने में सफल हुए, फिर भी किसानों की फसल जलकर खाक हो गई। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाक की खास रिपोर्ट। मन लड़के खाए बिना मर जाइए, सरकार सहायता दिया तो कौन ना हो तो संगीता कौन है जीतपुर रहने वाले हो। हम किसान आदमी, हमारे 5 बीघा खेत रह गया हूँ, पूरा जल गया। अब हम मतलब अब लड़के का खा कुछ बचा नहीं है। अब गवर्नमेंट मतलब सरकार कुछ सहायता दी तो डाल लो बच्चे जी जाए हैं, और नहीं सरकार व्यवस्था दी तो सब तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा, आग कल और आज लगी, तब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आया? कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। दमकल भी आया, फायर ब्रिगेड वाला, वो 2 घंटे बाद आया, 2 घंटा लेट आया, वो कुछ नहीं किया। मतलब पब्लिक की सहायता से सब जो है आग बुझाया गया, नहीं तो पूरा गांव जल जाता, घर भी जल जाता उसके पीछे। मतलब जान माल का कोई नुकसान वैसा नहीं हुआ? जान का तो नुकसान नहीं हुआ साहब, लेकिन माल का तो नुकसान बहुत ही हुआ है।